राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज देखो आपको छोटा छोटा डिजाइन दिखाऊंगी बना के, रेडीमेड जैसा लगेगा बनाया हुआ। और दो सिलाई का है बस, तो और तीन फंदे का है। अगर आपने तीन का बनाना तीन का बना लो, चार का बनाना है चार का बना लो, आपकी मर्जी है। जो एक एक फंदा सीधा बना रखा बीच में, आप इसी जगह दो भी बना सको हो, तीन भी बना सको हो, छोटा बड़ा इसको कर सको हो। बनाया हुआ बिल्कुल रेडीमेड जैसा लगेगा। छोटे बच्चे के कार्डिगन में डाल लो, जेंट स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, कहीं भी डाल लो, सारी जगह अच्छा लगेगा ये डिजाइन। और थोड़ा शोर हो रहा पड़ोसियों का, इग्नोर करना, अपना ये देखना डिजाइन ध्यान था। जोर जोर तो बोल रहे हैं पड़ोसी। एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके, अब इन दो फंदे का पहले एक बना लेंगे उल्टा फंदा, यूँ करके एक फंदा उल्टा बना लिया। अब ये फंदे हमने निकाले नहीं हैं, और ये थोड़ा हमने थोड़ा सा लंबा कर लेना है, फिर पीछे धागा कर देंगे। इन्हीं फंदे का फिर एक फंदा सीधा बना देंगे। अब ये तीन फंदे हमने पूरी सिलाई में बनाने हैं, बार 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 बार। एक फंदा सीधा, फिर आगे दो फंदे का डिजाइन बनाना है, अपनी तरफ धागा कर लेंगे। दो फंदे पहले ऐसे करके एक उल्टा फंदा बना लिया, फिर पीछे धागा करके इन्हीं में एक सीधा फंदा बना लिया, फिर दोनों इकट्ठे निकाल दिए। फिर आगे एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके अभी इन दो फंदे का पहले एक फंदा बना लेंगे, फिर पीछे धागा करके इन्हीं में एक फंदा सीधा निकाल लेंगे और ये दोनों फंदे छोड़ देंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके पहले दो का एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर पीछे धागा करके इन्हीं में एक सीधा फंदा बना लेंगे पीछे की साइड का। फिर एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके इन दो फंदे का पहले एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर पीछे धागा करके इन्हीं में एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके दो का पहले एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर पीछे धागा करके पीछे की साइड एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके दो का एक उल्टा फंदा बना लेंगे, पीछे धागा करके इन्हीं में एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर दो का एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर पीछे धागा करके एक सीधा फंदा बना लेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके दो का एक पहले उल्टा बना लेंगे, फिर पीछे धागा करके एक फंदा सीधा बना लेंगे। एक सीधा बना लिया, एक उल्टा बना लिया, दो दो फंदे इकट्ठे डाल के पहले उल्टा बनाया, फिर पीछे धागा करके सीधा बनाया। और कोने वाला फंदा ये सिलाई का होगा, दोनों कोने पे सिलाई का कह लो, या जैसे बीच बीच में एक एक फंदा आ रहा है इस तरह कह लो। अगर सिलाई के लिए एक और रखना, दोनों कोने पे दो दो फंदे बना लो। फिर आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब दूसरी सिलाई में हमने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। अगर आप जो मैं सीधा बना रही हूँ सीधी साइड है, उसको उल्टी सिलाई में उल्टा बनाना चाहो, उल्टी सिलाई में उसको सीधा बनाना चाहो, इस तरफ सीधा है ये, सॉरी इस तरफ उल्टा बना रहे हैं। अगर इस तरफ तभी सीधा बनाना चाहो, आप सीधा भी बना सको, आपकी मर्जी है। फिर उल्टा फंदा नज़र आएगा पीछे की साइड, थोड़ा बहुत इसको अदल बदल करके बना सको। अब ये दो सिलाई होगी, यही दो दो सिलाई हमने बार 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 रिपीट करनी है। देखो उल्टी साइड तो इस तरह दिखाई दे रहा है, और ये आ गई सीधी साइड, देखो कितना सुंदर लग रहा है। और जो ये नीचे बॉर्डर बना रखा है, इसकी वीडियो चैनल पर डाल रखी है। अगर आपने बॉर्डर बनाना, बॉर्डर बना लो, पूरी सिलाई कोटी में ये डिजाइन डालना है, नीचे और कोई डिजाइन बना के ये डाल लो पूरी कोटी में, अच्छा लगेगा ये डिजाइन। बच्चे के कार्डिगन में डाल लो, लेडीज कार्डिगन में, सारी जगह अच्छा लगेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।